सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने ड्रॉप आउट किया था कि हम लोग एक कोच को टीम करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक कोच को टीम करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और यहाँ पे एक कोच जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, तो हमें बिल्कुल पेशेंस रखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ईजी टीम करना है गाइस। और यहाँ पर डेंजरस डाइनो भी बहुत हैं, मेक श्योर करना है कि इसके पीछे से जाके हमें इसे धीरे से फीट करना है और फिर उसके बाद रन कर देना है। अगर हम लोग इसके पीठ पे बैठ के फीट करेंगे तो ज़्यादा इजी टेम हो जाएगा, मतलब 5% ज़्यादा जाएगा और काफ़ी फास्ट भी टेम हो जाएगा। बट हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी गाइस, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा सेफ एरिया से दूर चला गया ना, तो फिर यहाँ पे विल डाइनो इसको एक हीट देंगे तो सारी टीमिंग फिटनेस जितनी है सारी की सारी ड्रॉप हो जाएगी। तो मेक श्योर करना है कि हमें बिल्कुल जल्दबाजी करनी नहीं है। तो अभी 60% हो चुका है और 2-3 बार और फीट करना है और ये बूम बाम टेम हो जाएगा हमारा। तो चलिए जल्दी से टेम कर लेते हैं। ऑल लाइट। वेट करना है, नो जल्दबाजी। ओके चलिए अभी चलते हैं, हम फिट कर सकते हैं। चलिए 70% हो चुका है, 3 टाइम्स और फिट करना है और हमारा एक्वस टीम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, अदरवाइज ये टीम हो जाता। और मैंने इसको 10 टाइम्स मोदिंग लेम दे रखा है। फिर से अंग्री दिखा रहा। चलिए फिट करते हैं इसको। लेफ्ट साइड में हमारे गाइस जो है थैरी है, मैं थैरी से बचना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि ये थैरी के पास चला जाए। अगर एक आग भी हिट पड़ गया गलती से भी गाइस ने, तो फिर हमारी जो जितनी मेहनत है सब चली जाएगी। और फिर यहाँ पर फीड नहीं हुआ, यहाँ पर फीड नहीं हुआ गाइस। नहीं, गलती कर दी मैंने। नहीं चलिए, अभी 2 रॉकेट पड़ा हुआ है, वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, मैं इसको बिल्कुल भड़काना नहीं चाहता गाइस, आप लोग समझ सकते होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, 5 रॉकेट तो मैंने खुद ही कंज्यूम कर गया गाइस, क्या ही कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो हमें जो चीफ स्टेशन से थोड़ा थोड़ा रॉकेट लेना पड़ेगा। देयर वी गो, जैसे जैसे क्लोज होता जा रहा हूँ उसे जैसे थोड़ी थोड़ी हड़बड़ाहट बढ़ रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए 80% हो गया, 2 बार और ये टीम हो जाएगा पूरा। 5-7 सेकंड का टाइम है गाइस हर एक रॉकरों के बीच में। ऑल राइट, हो चुका है, फिर से अंग्री दिखा रहा, बट दूसरी बार और तीसरी बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ओ नहीं प्लीज़, ये रैप्टर नहीं। हमारा एक्टर भग गया। इस रैप्टर की ऐसी की ऐसी, हमारा एक्टर कहीं भग गया। आई होप उसको कोई हिट न दे दे प्लीज़, जस्ट डोंट हिट एनीबॉडी। मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक लगाता हूँ, एक मिनट, मैं एक ट्रिक लगाता हूँ, गेम को सेव करता हूँ, एग्जिट मारता हूँ और फिर से वापस आता हूँ, फिर से रीस्टार्ट करके आता हूँ। लेट्स सी, अगर ये काम आ जाता है तो ठीक है। ऑलराइट, वापस आ चुका हूँ मैं, चलिए देखते हैं। सामने की तरफ भगा था हमारे एक पास, अरे नहीं सामने तो थैरी है, थैरी यहाँ पे एक पास कहाँ हमारा, वो सामने था एक पास। चलिए देखते हैं, सॉलिड गाइस ट्राई करते हैं अभी टीम करने की इसको। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा इधर उधर ये घूम रहा, आई होप ये टीम हो जाए। फाइनली गाइस, हमारा एक फर्स्ट टीम हो चुका है, इसका लेवल देखिए
इसका लेवल 359 लेवल हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा मुझे इसे टेम करने के लिए। मेल या फीमेल है देख लीजिए, अभी मेल वन है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझे टेम करने के लिए इसको गाइस। तो आप लोग समझ सकते होंगे मतलब एक को टेम करने के लिए अगर आपका लेवल लो है तो कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है गाइस। और साथ ही साथ मैं अगर बता दूँ आप लोगों की कि अगर आप लोग भी मेरे जितने लेवल के हैं, मतलब यहाँ पे देखिए लेवल 25 यानी 25 के अंदर के आप अगर हैं, लेवल आपका 25 के अंदर है और आप एक 250 लेवल से हाई का एक को टेम करते हैं गाइस, टेम करके वीडियो डालिए और मुझे डिस्कॉर्ड में शेयर करिए। अगर आप लोग जो है टेम कर पाते हैं और ये चैलेंज एक तरह से समझ लीजिए, अगर टीम कर पाते तो मैं आपकी जो चैनल को प्रमोट करूंगा गाइस, हर एक किसी के चैनल को प्रमोट करूंगा जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोर्स कितना ज़्यादा टाइम लगा और कितना ज़्यादा मुश्किल से मुझे टीम हुआ। आप लोग 10 टाइम स्मूथिंग प्ले यूज़ कर सकते हैं, नो चीटिंग नो गॉड पावर, और साथ ही साथ गाइस नॉकआउट वगैरह तो आप लोग जो है चीफ स्टेशन से खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एम्बर वगैरह है थोड़ा बहुत तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वाले वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। और साथ साथ गाइस मैं बता दूँ कि आप लोग परेशान हो जाएंगे इस तरीके के एक स्क्रीन करने के लिए। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।